नमस्कार, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं रफ्तार अड्डा। आज मैं बात करने वाला हूँ आज शाम को खेले जाने वाले मैच पंजाब और लखनऊ के बीच में जो मैच खेला जाएगा। आज पंजाब और लखनऊ के बीच ये मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि शिखर धवन की अनुपस्थिति में जहाँ सैम करन पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं तो वहीं लखनऊ की कमान केएल राहुल के हाथों में है। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है इस सीजन में। वहीं सैम करन पिछले मैच में फॉर्म में आ चुके हैं, इस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने धुआंधार पारी खेली तो बॉलिंग से तो वो फॉर्म में थे ही, लेकिन साथ साथ पिछले मैच की बात की जाए वानखेड़े में जो खेला उसके साथ वो बल्ले से भी फॉर्म में आ गए हैं, तो ये पंजाब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात होने वाली है। वहीं बात करें अगर लखनऊ की तो लखनऊ का थोड़ा सा मनोबल गिरा हुआ है क्योंकि लखनऊ जो है अपना पिछला मुकाबला गुजरात से हारी है। 135 का स्कोर चेस करते हुए गुजरात के सामने लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हरा के पंजाब आ रही है, तो उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं दोनों पंजाब और गुजरात के अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों ने अब तक 2 मुकाबले खेले। एक मुकाबला पिछले सीजन में खेला था जिसमें लखनऊ ने पंजाब को हराया था। वहीं इस सीजन की बात करें तो लखनऊ में एक मुकाबला खेला गया इन दोनों के बीच में जिसमें से पंजाब ने 2 विकेट से जीत हासिल की थी। वही बात करें तो बैट्समैन की इनके लखनऊ की तो लखनऊ में बैट्समैन की बात करें तो मिडल ऑर्डर इनका अच्छा है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। केएल राहुल के बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं और काइल मेयर्स भी बहुत स्लो खेल रहे हैं, तो एक तरह से इनको स्ट्राइक रेट का भी नुकसान हो रहा है जिस तरीके से हमने देखा पिछले मैच में गुजरात के सामने हार का सामना करना पड़ा। तो इनका मिडिल ऑर्डर सही है, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी इन लोगों ने। लखनऊ ने पिछले मैच में गुजरात को 135 रन के स्कोर पर रोक दिया था, तो ज़्यादा रन बनाने नहीं दिए थे, तो बल्लेबाजी में सुधार करने की ज़रूरत है लखनऊ को। और साथ ही बात करें अगर पंजाब की तो पंजाब की बॉलिंग तो क्या ही लाजवाब है, सैम करन है, हरदीप सिंह है, हरप्रीत बरार है, तो बॉलिंग सही है एक तरह से, तो पंजाब की टीम जो है बैलेंस दिख रही है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को अगर मैच जीतना है तो पंजाब के जो टॉप ऑर्डर है टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करना होगा पावर प्ले में ताकि ज़्यादा रन ना बनने पाए, तभी ये जीत हासिल कर सकती है। वहीं अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ को अपने बैटिंग में सुधार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 135 रन का स्कोर चेज करने जब गुजरात के सामने उतरे थे तो 135 रन का स्कोर नहीं चेज हो पाया था, तो बैटिंग में सुधार की ज़रूरत है लखनऊ को। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ दोबारा उतरना चाहेगी। तो वहीं अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो जल्दी से मैं आपको संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी वो बता देता हूँ। संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो पंजाब की तरफ से संभावित प्लेइंग 11 शाहरुख खान, हरप्रीत सिंह, सैम करन, मैथ्यू शॉर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, राहुल चहर, हरप्रीत बरार और हर्षदीप सिंह। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की संभावित 11 हो सकती है केएल राहुल, मार्कस टॉयनिस, काइल मेयर्स, दीपक हुडा, कुणाल पांड्या, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, आवेश खान, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा और नवीन उलहक। तो ये रहा संभावित प्लेइंग 11 जो कि आज शाम को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।